आप सभी लोगों का हमारे समाज गार्डनिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को दिख रहे होंगे ये गजीनिया के फूल है, देखिए ये कलर के। तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए और इसके सीड्स किस तरह से कलेक्ट करें और एक मेथड ऐसा बताऊंगी जो आप नेक्स्ट ईयर तक इसको सेफ करने, अगर ज़्यादा आपके यहाँ गर्मी नहीं पड़ रही, कुछ टिप्स दे दूँगी जिससे आप इसको गजीनिया के प्लांट को नेक्स्ट ईयर तक भी सेफ करके रख सकते हैं। ये छोटी सी कुछ टिप्स बताऊँगी, सिर्फ आपको एक वीडियो में दो दो काम की चीज़ें मिल जाएंगी, इसलिए मैंने सजेस्ट करूँगी आप भी करके देखिए, बहुत सक्सेस मिलेगी। तो ये टाइमिंग है मार्च की, मार्च के बाद जितने हम लोगों के फ्लावर आते हैं मार्च में लास्ट फरवरी के, वो हम लोग उसको पिंचिंग करना छोड़ दिए देते हैं। मैं ज़्यादातर वीडियो में ही बताती हूँ, अगर आपको सीड्स चाहिए तो उसको फिर मार्च फरवरी की लास्ट वीक से पिंचिंग करना, फ्लावरिंग की छोड़ दीजिए, जिससे आपके वो सीड्स कलेक्ट कर सकें और नेक्स्ट टाइम आप जब ग्रो कर सकें अपने घर में, आपको मार्केट से पेड़ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत अच्छे से देखिए मेरे फ्लावरिंग अभी भी चल रही है फूलों, और कुछ छोटे साइज़ के हो जाते हैं कि जब ये इनके लास्ट फ्लावरिंग के टाइम है, ये अप्रैल तक फ्लावरिंग करते हैं और ये छोटे छोटे फिर सीड्स इसलिए कि कम हो जाते हैं कि इसमें हम सीड्स के लिए सब छोड़ देते हैं तो हमारे फ्लावरिंग की एनर्जी भी बढ़ जाती है, इसलिए हमारे फ्लावर छोटे हो जाते हैं। तो अब मैं आपको बताऊँ कि आप जब छोड़ देते हैं, देखिए हमारे यहाँ पेड़ में इस तरह से जब आपके फ्लावर में देखिए अपने आप सीड्स निकल रहे हैं, झड़ जाएंगे, देखिए इसके सारे सीड झड़ गए हैं इसी में से। तो मैं आपको ये पेड़ देखिए इस तरह से, ये याद रखिए कि जब तभी भी तोड़े तो इस टाइम इसकी सूख जाए, मेरे बाल्टिंग है तो कुछ हल्की सी गीली है, देखिए ये हमारे इसके सारे सीड्स हैं, आपको दिख रहे हैं, देखिए ये सीड्स हैं, बहुत इसके छोटे सीड्स होते हैं और रुई की तरह होते हैं, कवर में होते हैं इनके सीड्स, देखिए ये हमारे इसके सीड्स हैं। मैं आपसे और भी दिखा दूँ आप लोगों को, देखिए जैसे कि ये रेडी हो गया है, देखिए ये सीड अपने आप निकलने लगते, देखिए ये सब, ये देखिए एक फूल से काफ़ी सीड्स निकलते हैं, देखिए ये आपको दिख रहे हैं, ये रुई की तरह जितने हैं ये सारे इसके सीड्स हैं, ये सब इसके सीड्स हैं। ये आप एयर टाइट पॉलीथीन आती है बैग छोटा सा, उसमें आप रख सकते हैं उसको सेफ करके, क्यों एयर टाइट होती है तो उसमें आप पैक करके और इनको इजली पैक करके रख दीजिए, और इस तरह से इनको सेफ करना है कि ये हमारे इनमें हवा नहीं लगे, बाहर की नमी ना पहुँचे। देखिए सब उड़ के गिर जाते हैं, देखिए इसके सब सीड्स, ये देखिए इस तरह से। तो जब भी तोड़िए जब जानिए कि हमारी इस टाइम देखिए दिखा इस तरह से, ये चाहे तो आप तोड़ ऐसे ही रख सकते हैं सेफ करके, जैसे मैं आप बता दूँ जिससे कि ये सारे इस तरह से, ये कितने सारे इकट्ठे हो गए हमारे ये सब, ये नहीं है कि सीड्स आप ऐसे करके आप तोड़ लीजिए और एक दिन इसको थोड़ी सी छाया वाली जगह में और रखे रहने दीजिए, फिर इनको एयर टाइट में ऐसे ही रख दीजिए, ऐसे एयर टाइट में रख दीजिए, फिर इसको नेक्स्ट ईयर के लिए हम एयर टाइट पॉलीथीन में रख देंगे, फिर जब हमारी अक्टूबर नवंबर में हम इसको ग्रो कर देंगे तो ये हमको दिसंबर तक फ्लावरिंग बहुत अच्छे से टाइम तक देते रहेंगे। एक मेथड हमारा ये है हमारी फ्लावर की सीड्स रखने के लिए। अब मैं इस जिनिया के पेड़ को नेक्स्ट ईयर तक कैसे सेफ करके, देखिए मेरे ये इस है, देखिए इसने पॉट में लगा है, इसमें गमले में है छोटे से तसले में और काफ़ी घना है। आप बस ये करिए कि जब ये हमारी सब फ्लावरिंग इसकी बंद हो जाएगी तो मैं सब कट कर दूंगी, सिर्फ 2 इंच की तक की जड़ें तक ऊपर का एरिया रहने दूंगी, फिर मैं इनको सब हटा दूंगी, ये सब हटा दूंगी, ये आपको ये दिख रहा है ये सब मैं हटा दूंगी जब मेरे फ्लावरिंग बंद हो जाएंगे, फिर सिर्फ 2 इतने एक उंगली जितने आप एरिया इसको ऊपर रहने दीजिए जड़ें तक, फिर इसको आप शेड एरिया में रख दीजिए जहाँ तेज़ धूप ना लगे, और कंटिन्यू जैसे सभी पेड़ों हम पानी डालते इसमें भी करते रहिए, तो ये ऐसी भूसी बना रहेगा। फिर जब हम लोगों के अक्टूबर नवंबर में तो इसी को हम डिवाइड करके आराम से लगा सकते हैं दूसरे दूसरे गमलों में। इसका मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि सेफ करिए, और ज़्यादा गर्मी अगर पड़ रही है तो आप ऐसी जगह इनको रखिए जैसे आपके यहाँ कूलर हो, कूलर के नीचे ऐसी जगह रखिए जहाँ हवा ठंडी रहती हो, वहाँ इनको रखिए तो बहुत अच्छे से वो सर्वाइव वहाँ करते रहेंगे, और धूप थोड़ी बहुत छनकी लगती रहेगी तब भी अच्छे से आपके घर में लगते रहेंगे। बिल्कुल डार्क जगह मत रखिए, ऐसी जगह रखिए, थोड़ी सी धूप भी हल्की सी ज़रूरी है इनको, कि ये धूप ही में ही फूल देते हैं तो इनको धूप भी बहुत ज़रूरी है, तो ऐसी जगह मत रखिए जहाँ धूप बिल्कुल ना आए, ऐसी जगह रखिए तो उनको ठंडक भी मिलती है और थोड़ी सी एक आधा घंटे की धूप भी मिल जाया करे।
तो इस तरह से ये बहुत अच्छे से नेक्स्ट ईयर के लिए सर्वाइव करेंगे। ये मैं भी इसी तरह रखूँगी और जब मेरा अक्टूबर नवंबर में आएंगे मैं इसी से डिवाइड करके और भी पेड़ बना लूँगी। तो गजेनिया इस तरह से सेव करिए, बीज भी किस तरह से कलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट ईयर के लिए सेव कर लीजिए। तो इसके बारे में किसी तरह की भी आपको जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट्स में कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल बटन ज़रूर याद रखिएगा। धन्यवाद।